पहले आपको मेल करना होगा। पहले आप लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड को मेल कीजिए, मेल करने के बाद आपसे वहाँ रब्ता होगा, बात होगा, तब आप ऑफलाइन सारे डॉक्यूमेंट इनवॉल्प में अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस से जाके स्पीड पोस्ट करना होगा। क्या क्या देना होगा दोस्तों, शॉर्ट में समझते हैं। पहला, आपको फ़ोटो देना होगा पासपोर्ट साइज का, 5 फ़ोटो दे दीजिए। दूसरा, आधार कार्ड देना है। तीसरा, यदि आप रिकॉर्ड होल्डर हैं तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर है या एशिया कुछ भी हैं तो उसका जोरेक्स दे देना है, या तो आप स्कैन करके दे सकते हैं कलर में या ब्लैक एंड वाइट में, कलर ही दीजिएगा। तीसरा, आप जो रिकॉर्ड बनाएंगे उसका वीडियो चाहिए, वीडियो चाहिए अच्छी क्वालिटी में चाहिए। पांचवा, आपको जब वीडियो बनाइएगा तो फर्स्ट में फ़ोटो और लास्ट में फ़ोटो और मिडिल में फ़ोटो लेना है, वो फ़ोटो भी आपको देना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, जो भी आप एविडेंस अपलोड पोस्ट ऑफिस के द्वारा स्पीड पोस्ट करेंगे, जो एड्रेस मैंने बताया हूँ, पहला आपको एक खाली कैसेट, ध्यान दीजिए खाली कैसेट, जो हम लोग पुराने ज़माने में गाना सुनते थे ना, धर्मेंद्र का, जितेंद्र का, पुराना गाना जो हम लोग सुनते थे उसमें डीवीडी कैसेट जो चलता था, वो कैसेट आपको नियर मार्केट में जाइएगा। थोड़ा टाइम लगेगा मिलने में, क्योंकि मुझे भी टाइम लग गया, आप लोग देख लीजिएगा। खाली कैसेट आपको लेना है, वैकेंट, उसमें कुछ नहीं होना चाहिए, खाली कैसेट 30-40 रुपये मिल जाएगा। कैसेट लेने के बाद आप नियर साइबर चल जाइएगा, साइबर में पूरे जितने डॉक्यूमेंट है फाइल बना के आप उसमें अपलोड करवा दीजिएगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 फाइल बना के, नाम, वीडियो एविडेंस है, फ़ोटो वगैरह, जितने भी डॉक्यूमेंट है, विटनेस का, आधार कार्ड, फ़ोटो, वीडियो एविडेंस, सारे कलेक्ट करके आपको नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में स्पीड पोस्ट करना होगा। स्पीड पोस्ट करने के बाद आपको 2 या 3 महीने के अंदर मेल आएगा। यदि आपके उस फॉर्म में कुछ गलती हो, त्रुटियाँ हो, तो आपको मेल के द्वारा सूचित किया जाएगा, यदि नहीं होता है तो आपको एक मेल आएगा, डियर सनी रंजन पासवान, आपका रिकॉर्ड एक्सेप्ट हो गया है। आपको कुछ दिन के बाद सर्टिफिकेट आपके मेल पे आएगा, मेल पे सूचित करेगा, बट आपके जो भी है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का सर्टिफिकेट आपके घर पे आएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज की इस वीडियो